उन लोगों को कौन दे, इसलिए हम लोग खाने से पहले तीन हिस्से निकाल के रखते हैं। गोला रोटी जिसको बोलते हैं बंगला में, गोला रोटी बनवाते हैं। ब्रेकफास्ट हम लोग हर समय, हम सतयुग की लोग एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि ऐसे भी कई साल थे जब हम ब्रेकफास्ट ही नहीं करते थे कई कारणों से, जब अष्टांग हृदय और दूसरे आयुर्वेदिक शास्त्र हमने पढ़ा तो हमने जाना कि ब्रेकफास्ट ही सबसे स्ट्रॉन्ग और मजबूत ब्रेकफास्ट खाना होना चाहिए पूरे दिन का। भले ही तुम सारे दिन खाओ या ना खाओ, लेकिन ब्रेकफास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज इतना आटा नहीं था घर में जो रोटी बन सके, तो हमने सोचा जो आटा के अंदर पानी देके कुछ एक गोला रोटी जिसको बोलते हैं बंगला में, गोला रोटी बनवाते हैं। अब हमने ये कैसे बनाया ये हमारा चंदू बताएगा। आटा को पानी थोड़ा मिला के इसको आलू को थोड़ा बॉयल कर लिया। आलू बॉयल होने जाने के बाद आटा को पानी दिया, उसमें फिर नमक दिया, उसको थोड़ा गोला रोटी कहते थे उसको मिला लिया, बैटर बना लिया। फिर उसमें आलू भी थोड़ा चूर करके उसको डाल दिया, नमक डाला उसमें। फिर इसके बाद थोड़ा चटपटा करने के लिए थोड़ा मसाला डालना, ये सांभर मसाला डाल दिया। हाँ, सांभर मसाला, ये तो बहुत अच्छा मसाला है। ये जो तीन भाग जो देने का है खाना शुरू करने से पहले, ये नहीं जो बच गया उसको फेंकना है तो चलो किसी को दे दिया, ऐसे नहीं, फेंकने में से नहीं। ये तीन भाग देना है अपना खाना शुरू करने से पहले, जूठा करने से पहले तीन भाग निकाल के हमें देना है। ये हमारे भारत का एक संस्कृति है जो पहले ज़माने में भी लोग मानते थे, करते थे। और अगर आपने देखा होगा अपने दादा दादियों को, नाना नानियों को, या सुना होगा या फिल्मों में देखा होगा किस तरह से वो भी देते थे। लेकिन हर एक चीज़ का कारण होता है। इस सतयुगी लाइफस्टाइल व्लॉग्स में मैं आपको हर एक चीज़ का कारण भी बताऊंगा। शुरू में तीन भाग रखते हैं, तीन भाग इसलिए रखते हैं क्योंकि ऊपर वाला तो और भी सबको बनाया है, तो हम लोग अपना हिस्सा का तीन भाग रखते हैं। आकाश के प्राणी के लिए, माटी के प्राणी, मिट्टी का, ज़मीन का प्राणी के लिए, और पानी के प्राणी के लिए। उन लोगों को कौन दे, इसलिए हम लोग खाने से पहले तीन हिस्से निकाल के रखते हैं। आसमान बने पंछी उंछी के लिए, गोरु बकरी ये सब के लिए, और मछली उछली के लिए, इसलिए हम तीन हिस्से निकाल के रखते हैं, जाके बाहर में दे देते। हम लोग तो इंसान है ना, इंसान जो मनुष्य होता है वो हर प्राणी का राजा होता है। तो राजा का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी भी होता है, जैसे वो स्पाइडरमैन फिल्म में था ना, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमारा इंटेंशन ही मेन होता है। जब हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं तब हम क्या करते हैं, चलो भगवान खाएगा इतना सारा खाना, ऐसे तो नहीं देते। इन प्राणियों को सिर्फ चीर फाड़ के खून करके खाना ही हमारा फर्ज नहीं है, हमारा ये भी फर्ज है कि उनकी देखभाल करें। क्योंकि आपको पता नहीं है, मैंने ये इतने सालों में करके ये रियलाइज़ किया है कि ये जो पंछी है, जानवर है, मछली है, ये सब भी हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं, हमारे साथ डायलॉग करते हैं, हमारे साथ बातचीत करते हैं। और अगर हमें उन बातचीत को समझना है, क्योंकि वो हमको बहुत कुछ पहले से बता देते हैं, तो अगर हमें उन बातचीत को समझना है तो हमें भी उनके साथ अपने कार्यों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा इंटरैक्शन या बातचीत करना है। तो ये जो तीन भाग है, जब भी आप खाएं खाना, कुछ भी खाएं, तीन भाग शेयर करने से आपका इतना
पेट खाली नहीं रह जाएगा, और रह भी जाता है तो क्या है, आप थोड़ा ज़्यादा करके लीजिए या फिर थोड़ा सा खाली रह जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। बिना खाने के, बिना पानी के कितने पंछी, जानवर, मछली या फिर अभाव में मर जाते हैं। तो आप थोड़ा शेयर कीजिए, आप इसको करते रहेंगे, जब भी आप खाना खाते हैं आप इसको करते रहेंगे ना, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप उनकी भाषा समझने लगेंगे। तो अगर आपको पंछियों के, परिंदों के, एक ही चीज़ है, जानवरों के, पानी के जानवरों के, इन सब के अगर भाषा समझनी है और ऊपर वाले के भाषा समझना है, तो आपको अपने तरफ से करना भी होगा। यही सतयुगी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा भी है। आज तो बहुत सारा प्लान है हमको, हमारे जो दो चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसको रिवाइव करना है। एक तो सतयुगी किड्स, जिसमें मैं गुरुकुल सती, हम लोगों का जो गुरुकुल चलता था, हम लोगों का जो मतलब पढ़ाई वढ़ाई जो चलता था इतने सालों से, उसको रिवाइव करना है। हर रोज़ कम से कम एक वीडियो इसमें देना है। प्लस सतयुगी टीवी, जिसमें इंग्लिश में सब पॉडकास्ट होगा, उसको भी रिवाइव करना है आज। तो बहुत कुछ काम है, आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव होने का प्लान है, अभी देखो कितना क्या होता है। আমরা আজকে আসছি, তো বিকালবেলা না আমরা, তুমি শুধু স্যারের জন্য শুধু খাবার বানিয়ে রাখবে। হ্যাঁ না, আমারটা বানাতে হবে না, আমি হয়তো মাদের ওখানে যাব, আমি আর স্যার, স্যার ওখানে থাকবে। আমরা আসবো ওই 5টা 6টা এরকম। गुड नाइट। मैं इस ब्लॉग को क्लोज करना भूल गया था, तो इसलिए कर दे रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा इस सतयुगी लाइफस्टाइल ब्लॉग में, तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जान पहचान वालों के साथ। इसमें कमेंट कीजिए कि आपको क्या अच्छा लगा और आप क्या जानना चाहते हैं सतयुगी लाइफस्टाइल के बारे में। और कल एक नए ब्लॉग में, नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, प्रणाम।